अरे भाई तूने सुना, वो तेरा फेवरेट एक्टर था मालूम, सुशांत सिंह राजपूत, उसने सुसाइड कर लिया मालूम क्या? रुक दिखा दो तेरे को, ये देख, ये देख। बहती हवा सा था वो। एमएस धोनी पे तू फिल्म बना के करोड़ों युवा ने प्रेरित कर गया रहे, और जब खुद पे मुसीबत आई लाडले सब ने छोड़ के मर गया रहे। खैर मुसीबत सब पे आवे, पर दुनिया छोड़ ना जाइयो, या जिंदगी दोबारा ना मिले रे, मौत ने गले ना लाइयो भाई, मौत ने गले ना लाइयो। ढल रही शाम है, दिल तेरे नाम है, इसकी आदत बनी है तेरी यारियां। आदमी अच्छा था, ये सुनने के लिए मरना पड़ता है। जिंदगी मौत से भारी होगी जनाब, वरना अपनी मेहनत से एक मुकाम हासिल करने वाला शख्स यूं खुदकुशी नहीं करता। रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दे। भाई उनके फेस पे तो हमेशा स्माइल रहती थी ना, तो फिर उन्होंने सुसाइड क्यों किया? कोमल, जिनके फेस पे स्माइल होती है ना, अक्सर उन्हीं के दिल और दिमाग में सबसे ज्यादा दर्द भरा होता है। कैसी है अनहोनी, हर आंख हुई ना, कहीं ऐसा ना हो जाए बिना दीदार मैं मर जावा। सुशांत सिंह राजपूत एक मिडिल क्लास फैमिली से आने के बाद बॉलीवुड में इतना नाम कमाया, कभी हमको हंसाया तो कभी हमको रुलाया, पर आज हम चाहने वालों को आपने यूं ही अकेला छोड़ दिया। पर आप जहां कहीं भी हैं, भगवान आपको खुश रखे और आपकी आत्मा को शांति दे। तू ना बस एक बार लौट के आ जा, तू जैसा कहेगा ना मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। अगर तू कहेगा बाहर नहीं जाना, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। तू कहेगा यहाँ नहीं जाना, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तू कहेगा मुझे ये चाहिए, मैं वो दूंगी। पर तू एक बार वापिस आ जा भाई। धरा से एक और अनमोल सितारा दूर हुआ, आसमां में एक और चमकता तारा नूर हुआ। मैं और आपके फैंस इस गाने के जरिए आपको कुछ कहना चाहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत सर को ये गाना मैं टिकटॉक इंडिया और मेरी तरफ से श्रद्धांजलि के रूप में देना चाहूंगा। तेरी जो यादें हैं, तेरी जो बातें हैं, किससे ये सब मैं अब कहूँ, तुझसे ना हम मिल पाएंगे, अब किसको ये जताएंगे। दूर है तू अब इस दुनिया से, अगले जन्म तुझे पाएंगे। ओ वी मिस यू सर। तुम प्रोड्यूसर्स ने अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए उसको 6 बड़े बैनर से बैन करवाया था ना, उसकी मूवीज बीच में रुकवाई थी ना। कोई ना, तुम बनाना मूवी, हम बताते हैं। अगर मुझे फिल्मों में काम ना मिला तो मैं टीवी सीरियल्स में काम करूंगा। अगर मुझे टीवी सीरियल्स में काम ना मिला तो मैं थिएटर करूंगा। पहले भी मैं 250 रुपये में थिएटर के शो किया करता था, और मैं उसमें भी खुश था क्योंकि मुझे एक्टिंग पसंद थी, और इस वजह से असफल होने का डर मुझ पे नहीं है। ये कहना था सुशांत सिंह राजपूत का। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा नौजवान जिसे असफल होने का डर था ही नहीं, जिसके आगे सारी जिंदगी पड़ी थी, वो अचानक से जिंदगी से हार कैसे गया? कल जो भी कुछ हुआ, इस पे अब भी यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। रेस्ट इन पीस सुशांत सिंह राजपूत।
तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आँखें पढ़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं। गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब लोग सुशांत सिंह राजपूत जी की सुसाइडल फोटोज लगा रहे हैं यार, कुछ तो इंसानियत रखो। वैसे ही माहौल इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और आप लोग ये सब कर रहे हैं। अगर आप लोगों को सच में दुख है, कोई पुरानी इंस्टाग्राम की फोटोज लगाओ, पर प्लीज़ यार हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, वो सुसाइडल फोटोज यूज़ मत करो प्लीज़। सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने अपनी एक्टिंग से कई बार हमें रुलाया और कई बार हंसा कर हमें ज़िंदगी जीना सिखाया, आज वो खुद अपनी ज़िंदगी से हार कर उन्होंने सुसाइड कर लिया। पता नहीं क्यों, लेकिन हम सब लोगों की तरफ से भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। गलती बॉलीवुड की नहीं है, गलती सुशांत सिंह राजपूत की। एक ऑल इंडिया रैंक होल्डर, इतना जीनियस लड़का जो कि खुद के दम पर इंडस्ट्री पर आया, उसकी बॉलीवुड को क्या ज़रूरत है। बॉलीवुड को तो वो जाहिल लोग चाहिए जिनको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच का रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। कब तक और कैसे चलेगा सर, कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाएं। 2020 ने क्या क्या छीन लिया हमसे, ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। आज फिर एक शख्स हमारे बीच से चला गया जिनका नाम है सुशांत सिंह राजपूत। उन्होंने क्यों सुसाइड कर लिया ये तो मुझे मालूम नहीं, पर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि उनके हक में दुआ करें। और दो लाइनों के मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आँखें पढ़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। चाहे तुझको